आपकी शादी मम्मी कितनी उम्र में होगी थी? 13 साल। तो भाई देख सकते हो मेरी मम्मी ये गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं बहुत जल्दी उठ चुका हूँ, मैं पहली बार बता दूँ आपको, 4 बजे उठा हूँ मैं। और 4 बजे उठ के मैंने पापा के लिए चाय बनाई, उसके बाद मैंने वर्कआउट किया। अच्छी खासी पंपिंग है तो अभी रनिंग करूंगा, क्योंकि स्टैमिना की तो ऐसी की तैसी हो चुकी है। एक चीज देख के आपको बड़ी हंसी आने वाली है, ये रहा मेरा आधा लीटर दूध और मैं ऐसे ही इसमें, मुझे पसंद है इसमें पीना। जितनी सुबह उठ के बहुत मजा आ रहा था, यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे कुछ आंटियां योगा कर रही हैं और उस साइड भी थी, बाकी जा चुकी हैं। तो भाई बहुत मजा आया आज रनिंग करके और मैं क्रैम्प आ गया। बाइसेप्स दिखा दूँ आपको, थोड़ा सा बाइसेप्स वर्कआउट किया था मैंने और आज ज्यादा नहीं किया है क्योंकि फर्स्ट डे, और रनिंग भी मैंने आज आधा या 1 किलोमीटर करी है। शूट इसलिए नहीं कर पाया रनिंग में क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं था और फोन को रखना कहीं पे सेफ नहीं था। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ अपनी मम्मी से, और अभी हम कहाँ जा रहे हैं मैं अभी आपको बताता हूँ आगे, उससे पहले एक बार मम्मी आ जाए। मम्मी को पता नहीं है कि मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ। भाई अभी सोसाइटी में है तो मास्क रख लेते हैं अंदर, और अभी मम्मी आपको एक जादू दिखाने वाली है। भाई दिखाते हैं जो मम्मी का पुराना टैलेंट है बचपन का, गांव का। मम्मी गांव में ऐसी करती थी आप? और अगर अगर आप ऊपर से गिर गई तो नहीं, मम्मी इतनी ऊपर कैसे जाओगी? तो भाई ये है सोसाइटी का पार्क और वो रहा सामने हमारा घर। तो मम्मी अगर आप ऊपर से गिर गई तो नहीं गिरोगी? नहीं। चलो आपकी वीडियो बना के डाल दूं? अगर मम्मी ने आपकी वीडियो बना के डाल दी तो क्या करोगी आप? डाल दे क्या होगा? डाल दे क्या होगा? मम्मी इतनी ऊपर कैसे जाओगी? ले जाओगी? हाँ। पक्का? पन्नी नहीं, एक दो ऐसी तोड़ के लाओ, बहुत सारे तोड़ के लाओगी तो आज गांव वाला टैलेंट दिखाओगे आप अपना। सोच लेना। देख लो। टूट जाएगी ये पतली। तो भाई देख सकते हो मेरी मम्मी, ये गांव की जो औरतें होती है ऐसी होती है गांव की लेडीज। तो भाई पुराने टाइम में क्या होता था, ऐसे भैंसों के लिए कुछ काटने वाटने के लिए, पेड़ को छांगने के लिए। बस कितनी ऊपर जाओगी? इतनी ऊपर तो मैं भी नहीं चढ़ सकता। मम्मी आपकी उम्र क्या है? हाँ थोड़ा तेज बोलो। वो भी 50 के आसपास। 50 के आसपास होगी। उसके बाद भी इतनी फुर्ती कैसे आपके अंदर? तो गांव की औरतें, आप तो दिल्ली में रही हो शुरू से, काम तो करती ही नहीं आप ज्यादा। टैलेंट तो गांव का ही है। अच्छा गांव का टैलेंट है। सोसाइटी में जाम रहते हैं, मेरा यहाँ से जाने का इसलिए मन ही नहीं करता क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल गांव वाली फील आती है। और मम्मी चढ़ के ऊपर मैं बैठ के देख रहा हूँ। मम्मी एक फेंकना एक। तो ये आ गया हमारे हाथ में जामुन, और इसको खा के दिखाऊं? सीरियसली बहुत मीठा है भाई। वैसे तो मैं बता दूं मम्मी रोज लेके आई जाती है यहाँ पे, क्योंकि एक दिन मैं क्या हुआ, एक दिन ना मैं बाहर से जामुन लेके आया, मेरे को बड़े सही लगते हैं, तो मम्मी कहती बाहर से क्यों लेके आता मैं, इसीलिए मैं, मम्मी इतनी ऊपर लग रहे कैसे लाओगी? मम्मी कह रही आजा मैं तुझे आज जादू दिखाती हूँ। मम्मी एकदम ऊपर चढ़ गई। मम्मी यहाँ तक तो मैं भी चढ़ सकता हूँ। अरे गिर जाएगा इसके ऊपर से। मैं गिर जाऊंगा और आप नहीं गिरोगी। कितने तोड़ोगी मम्मी, दिखाना कितने तोड़े? अभी तो थोड़े थोड़े, अभी ऊपर थोड़ी। बस इतने तो तोड़े मम्मी। मम्मी खत्म हो गए। पन्नी कहाँ से लेके आई मम्मी आप? मम्मी गांव में क्या तोड़ती थी आप ऐसे? यही तोड़ते थे, जामुन आमुन और आमी। हाँ आम तोड़ते थे और आमी ना अचार बनाने के लिए। और क्या कार्बन खेलते थे मामू को तोड़। देखना है कच्चा है कहीं गिर जाओ। ये कह रहा मुझे व्लॉग में नहीं आना। ये टैलेंट तो मेरे अंदर के, देख मैं भी इसके ऊपर खड़ा हो सकता हूँ। कूद जाए मम्मी है? चलो अपन दोनों कूदते हैं एक साथ। मरना है क्या?
गिरेगा। अच्छा मैं गिरूंगा और आप इस उम्र में वहां चढ़ेगी इतनी पर आप नहीं गिरोगी। तो अभी हम कूद के दिखाते हैं। अंदर ही चला गया। और मम्मी और बताओ आपको आज कैसा? नहीं इस वाले में नहीं, बस अब बहुत हो गया, आप ज्यादा सीरियस मत लो बात। चलो घर चलो, चलो जामुन के चक्कर में आप गिरोगी यहाँ से। चलो चलो भाई, मम्मी रेस करने वाली, मम्मी ला के दिखाओगी मेरे से? हाँ? देखो भाई 50 साल की हार गया मैं, हार गया मैं। रह गया पीछे। मम्मी बताओ आपकी उम्र कितनी है, सच बताओ? 50 होगी। 50 वो ले के आना मेरी चप्पल। तो भाई मम्मी की उम्र देख लो, मम्मी की उम्र है 50 और मेरी उम्र तो मैं क्यों बताऊं, ये पूरा कंपटीशन दे रही थी हराने के लिए मेरे को, उल्टी उल्टी चप्पल। और मम्मी बताओ फिर गांव कब चलना है? गांव चलना महादेव जी वहाँ के आएंगे। अच्छा पूजा करनी है? पूजा करनी है, एक दिन वो जल चढ़ता है ना। अच्छा वो क्या बोलते हैं, खैसरगढ़ बोलते हैं उसको। दिल्ली में रहते हुए आपकी शादी मम्मी कितनी उम्र में होगी थी? 13 साल। 13 साल की उम्र मम्मी की शादी। तो मम्मी पेड़ में चढ़ना कब सीखा आपने? पहले बचपन से ही चढ़ते थे, छोटे थे। तो आज के भाई आज के ब्लॉग में अगर मजा आया हो तो मम्मी ने दिखाया अपना टैलेंट 50 साल की उम्र में। तो वैसे तो ये कोई पर्पस नहीं था लेकिन ऐसी कॉमेडी के लिए शूट कर लिया मैंने। अगर आप में से किसी की मम्मी गांव की और वहां पे जब कैरिया तोड़ते गांव में आम जमा वो अचार जमाने के लिए आज कच्चे आमों को तोड़ा जाता है तो वो सारी चीजें शेयर जरूर करना कमेंट में। मैंने बोला चल मैं जामुन तोड़ने जा रही हूँ, मैंने बोला मम्मी आज तो फंस गए, आज आपको दिखा भी देता हूँ और आपका वीडियो भी बना के डालूंगा भाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने कमेंट करके जरूर शेयर करना अपनी ऐसी चीजें जो आपने अपनी मम्मी के साथ करी है, आपकी मम्मी ऐसे काम करती हो जो जिसमें आप मना करते हैं। और मम्मी गिर जाओगी मत करा करो। ना नहीं गिरते, कैसे गिर जाएंगे मम्मी? गिर कैसे गिर जाएंगे? 50 साल का टैलेंट है। 50 साल का टैलेंट है मम्मी का। 40 का मम्मी, पहले बच्ची में थोड़ी चढ़ी होंगी। मम्मी कहने का मतलब 40 साल का टैलेंट है, पैदा होती थोड़ी चढ़ी, तो 10 साल को उन्हें मम्मी ने हटा दिया, माइनस कर दिया। अपने लाइफ के ऐसे कुछ मोमेंट जरूर शेयर करना कमेंट करके कि आपकी मम्मी बात मानती है नहीं मानती और ऐसी कौन कौन सी चीजें करती है। फिर अगर आपकी मम्मी गांव से है मतलब कुछ भी है, कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं।